हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज मैं आपको एससीआरटी की तरफ से जो रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है उसके सीरियल नंबर 22 एक्टिविटी शीट को करवाने जा रहा हूं, और ये 11 डेट की रहने वाली है जो 6th से 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स की है। एक बात आपको और बता दो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये मैथ की रहने वाली है। अगर आपने अलग कॉपी बना रखे तो आप उसमें करेंगे, नहीं तो आप एक ही कॉपी में कर रहे हो तो सब्जेक्ट लिख के मैथ्स का और नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द टीचर जरूर लिखिएगा और फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं, प्रिंटेड फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से आपके लिए स्पेशली किए जाते हैं और आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। अभी आंसर के साथ समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आंसर तो स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हमें कविता दे रखी है, और आपने भी देखा है कि इंग्लिश मीडियम है आप, है ना, लेकिन जो कविता है वो हिंदी में ही दे रखी है, तो हम उसे हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई। तो उसने क्या बोला, सुनिए क्या बोला उसने। लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। मतलब पैसे दो और ले लो, फ्री में नहीं मिलेगा भी कुछ भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि आपको रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़ना है, एंड अंडरलाइन द नेम ऑफ स्वीट्स, और जो भी मिठाइयों के नाम है ना उसको अंडरलाइन करना है। तो आप ये क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देना, क्योंकि देखो लड्डू इमरती और जलेबी ये तीन ही मिठाई यहाँ पर बताई गई हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चन लिख के पूरी ये कविता भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन, ठीक है। नहीं तो आप इतना उतारिए, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बस बहुत है। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या करना है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ये आपको क्वेश्चन करना है फिर आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनिए, सोनू स्वीट मेकर है, हलवाई है, मेड 80 लड्डू टुडे, उसने आज 80 लड्डू बनाए हैं, कितने बने, 80। ही हैज़ टू पुट दीज लड्डू इन स्मॉल बॉक्सेस, वो चाहता है कि इन्हें छोटे छोटे बॉक्स में डालना चाहता है। एक बार दोबारा सुनिए, सोनू जो है ना वो हलवाई है, ठीक है, कौन है, हलवाई, और 80 लड्डू जो है ना उसने बनाए हैं आज, 80 लड्डू बनाए हैं। He has to put these laddus in small boxes and send them to a school. उसने क्या करा, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं लड्डू के और उन्हें स्कूल में भेज दिया, और हर बॉक्स में ना बच्चों 5 लड्डू हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लड्डू हैं हर बॉक्स में। तो आपको ये बताना है कि कितने बॉक्सेस, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पुट ऑल द लड्डू, जितने भी लड्डूस हैं ना उन्हें हमें डालना है, तो कितने बॉक्सेस चाहिए। तो देखिए जब हमें ऐसे निकालना है, क्योंकि आपके पास टोटल 80 लड्डू दे रखे हैं और हर बॉक्स में आपको 5 डालने हैं, तो आप ऐसे केस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो 80 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए कितना होता है, 5, 3 कैरी हो गया, मतलब 3 रिमेनिंग बचा, तो 0, 5 सिक्स जाए कितना होता है, 30। तो हमारा कितना का 16 आंसर आ गया, 16 बॉक्सेज चाहिए। तो आप ये डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं, आप इतनी बड़ी क्लास में तो हैं कि आराम से डिवाइड कर लेंगे और ये आंसर आपका हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया था, दूसरा भी समझा दिया, दूसरे का भी पहला पार्ट है। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, अब आप दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए। व्हाइल पुटिंग द लड्डूज इन द बॉक्सेस, देखिए जब वो बॉक्सेस के अंदर लड्डू को डाल रहा था ना, तो 7 लड्डूज वर ब्रोकन बाय सोनू, सोनू के द्वारा 7 लड्डू टूट गए। तो देखिए कितने बचे, 80 में से 7 के कितने बचे, 73 बचे, ठीक है। ये कह रहा है नाउ हाउ मैनी फुल बॉक्सेज विल बी सेंड टू स्कूल, अब आपको बता रहे फुल कितने बॉक्सेज भेजे जाएंगे जिसमें लड्डू होंगे, और एक एक बॉक्स में कितने थे, 5 लड्डू थे। तो ये कह रहा है एंड हाउ मैनी लड्डू विल बी लेफ्ट विद देम, और कितने लड्डू बच जाएंगे। अभी देखिए जब हमने इस क्वेश्चन को करा था डिवाइड फॉर्म में करा था, तो तब हमने क्या करा था, हमारे पास 80 थे तो हमने 80 को 5 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास कितने रह गए, 73 रह गए ना, 73 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 बन जाए कितना होगा, 5, 2, और यहाँ 3 आ गया, 5 पहुँचे कितना हो गया, 20, और यहाँ पे 3 बचा। तो अब आप देखिए हमारे 14 तो पूरे पूरे बॉक्स हो जाएंगे, और 3 जो हैं हमारे लड्डू बच जाएंगे। तो आप ये डिवाइड करके भी दिखा देना अगर चाहें तो आप, ठीक है, साइड में दिखा देना, कर लोगे ना डिवाइड। चलो अब सुनो आंसर, तो 7 लड्डूज आर ब्रोकन, 7 लड्डू टूट गए, तो नाउ 14 बॉक्सेज ऑफ लड्डूज विल बी सेंड टू स्कूल, अब 14 बॉक्सेज भेजे जाएंगे क्योंकि 7 लड्डू टूट गए, और कितने लड्डू बचे, 3 लड्डूज विल बी लेफ्ट विद हिम, ठीक है, और उसके साथ कितने लड्डू बच गए, 3 लड्डू बच गए, कितने पूछे थे उसने, कितने बचे थे, 3, रिमेनिंग कितना आया था, 3 आया था ना, 3 बच गए, क्लियर हो गया आपको।
अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? अब तीसरा देख लीजिए। देखिए मैंने आपको पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, ठीक है? दूसरे के दोनों पार्ट मैंने करवा दिया और ये पिक्चर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है? अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन देख लो तीसरा, ठीक है? इसका आंसर फिर मैं आपको करवाता हूँ। आगे देखिए, सोनू हैज़ मेड हॉट जलेबीज, उसने गरम गरम जलेबियाँ बनाई हैं बच्चों। इफ़ अ पेपर बैग कंटेन्स ओनली 8 जलेबीज, अगर एक जो कागज का जो बैग है ना उसमें 8 जलेबी आती हैं, कितनी आती हैं? 8। तो आपको बताना है कि टोटल अगर 120 जलेबी होंगी, 120 जलेबी होंगी, तो कितने बैग चाहिए होंगे? तो ऐसे केस में भी आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, 120 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए कितना होता है? 8 होता है 4 बच्चा, 8 बन जाए कितना हो गया? 40 आ गया। तो यहाँ 15 आ गया। तो अब इसको देखो कैसे लिखना है, नंबर ऑफ जलेबीज इन अ पेपर बैग कितनी है? 8 है भाई, एक पेपर बैग में कितनी जलेबी? 8। तो नंबर ऑफ जलेबीज कितने टोटल? 120। टोटल नंबर ऑफ जलेबीज इज इक्वल टू 120, ये नंबर लिखा, ठीक है? एन ओ के डॉट लगा तो नंबर हो जाता, ठीक है? और नंबर ऑफ पेपर बैग रिक्वायर्ड, तो कितने पेपर बैग चाहिए होंगे? तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारा 15 आंसर आ गया। ये डिवाइड है, ठीक है? डिवाइड का सिंबल होगा, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटराइज फॉर्म है ना, इस प्रकार से बनता है वो। तो 15 पेपर बैग विल बी रिक्वायर्ड टू पुट जलेबीज, ठीक है? तो 15 बैग चाहिए जलेबीज को रखने के लिए। क्लियर हो गया आपको? अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सोनू हैज़ टू कंपेनियंस, बच्चों कंपेनियन मतलब तो साथी, जैसे सोनू है ना उसके साथ दो जने और काम करते हैं, ठीक है ना? दो कंपेनियन मतलब दो साथी उसके साथ काम करते हैं, हु वर्क विद हिम, जो उसके साथ काम करते हैं। दे डिवाइड, वो बांट देते हैं डेली अर्निंग्स इक्वली अमंग देमसेल्व्स, हेल्प देम इन देयर डिवीजन। देखिए वो क्या करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं ना जिस दिन, वो तीनों आपस में बराबर बांट लेते हैं, चाहे जितना भी कमाएं, हमेशा बराबर बांटते हैं। तो 9 तारीख को उन्होंने इतने रुपये कमाए, 10 तारीख को उन्होंने इतने रुपये कमाए, 11 तारीख को इतने रुपये कमाए। तो अब आपको बताना है कि उन्होंने कितने कितने रुपये जो है ना मिलेंगे, तीनों को कितने कितने मिलेंगे। जैसे हम सोनू का बता रहे हैं कि सोनू को कितने मिलेंगे, तो देखिए कितने जनों में बांटना है, एक अमाउंट को तीन पार्ट में बांटना है ना? तो तीन से डिवाइड कर देंगे, तो 1200 को तीन से डिवाइड करो आपका आंसर आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करो आपका आंसर आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यह है कि 1200 लिखा, तीन से डिवाइड करा, 3, 4, 12, ये डिवाइड दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये जीरो लिखा, जीरो लिखा, फिर यहाँ पे जीरो आया, तो आपको डिवाइड तो पता है बच्चों अच्छे से, फिर मैं बता रहा हूँ कि जीरो यहाँ जीरो बचेगा, तो 400 आ गया, ठीक है? आप इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, कैसे? देखो कैसे, बस देखो 1200 है ना, तो तीन है तो तीन को काटो, 3, 4, 12, 4, दो जीरो बची, दो जीरो लगा दी, तो 400 आ गया। ऐसे ही दूसरा देखो, 1350 है ना, तो 1350 को तीन से डिवाइड करो, 3, 4, 12, 1 बचा, 3, 4, 12 हो गया, और इसे 1 दिया तो 3, 4, 15 हो गया, तो 450 आ गया। ये देखो ऐसे इसको डिवाइड करो। देखो आपके लिए इतने अच्छे तरीके से कराए जाते हैं और काफ़ी एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। 3, 4, 15 और 3, 2, 6 ये आ गया 520, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आप डिवाइड से भी कर सकते हो और आप फ्रैक्शन में लागू से काट भी सकते हो, ठीक है? तो ये हमने सॉल्व कर दिया, और इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी जो है एक्टिविटी शीट अच्छे से समझा दी है, समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। और एक बात और कि मैंने सारे के सारे जितने भी एक्टिविटी शीट्स हैं सारी बना दी हैं, आपको जो है वो चैनल पर जाकर मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट में एक प्रकार का लोगो सा आता है, उसको जब प्रेस करेंगे ना आप, तो आपको आराम से सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें आप सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? एक साथ सारी, या मतलब 1 by 1 आपके ऊपर है। चलो अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।